सारे दर्शकों ने दिनेश जुलानी की राम राम। मौजूद हाँ जुलाना की ब्राह्मण धर्मशाला में। आज कांग्रेस पार्टी के नेता अशोक मलिक के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई। इस बैठक में सोनीपत लोकसभा से सांसद प्रतिनिधि के तौर पर वजीर गांगुली पहुंचे और सांसद ब्रह्मचारी को जीत दिलाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं का उन्होंने धन्यवाद किया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में जुलाना हल्के के प्रत्येक गांव से कार्यकर्ता पहुंचे। अशोक मलिक ने सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया और उन्होंने कहा कि ब्रह्मचारी को जो भारी मतों से आपने विजय दिलाई है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के अंत में प्रेस वार्ता करते हुए अशोक मलिक और वजीर गांगुली ने क्या कहा, ये आज का कार्यक्रम हमने ब्रह्मचारी जी जो इतने भारी मतों से जुलाना की जनता ने जिताने का काम किया, तो जुलाना के जो कर्मठ साथी जिन्होंने दिन रात मेहनत की उनका धन्यवाद करने के लिए हमने आज का ये आयोजन रखा था। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाई वजीर गांगुली जी आए हैं, तो मैं उनका सांसद प्रतिनिधि होने के नाते इनका यहाँ स्वागत किया। और जुलाना की जनता का इन्होंने अब ब्रह्मचारी जी की तरफ से भी और हमारे सभी साथियों की तरफ से धन्यवाद किया और भविष्य के लिए उनको शुभकामनाएं। जुलाना ने पिछली हार का बदला लिया, पिछले लोकसभा चुनाव की कांग्रेस की हार हुई थी। जुलाना ने हार का बदला नहीं लिया जी, जुलाना ने जबरदस्त वोटिंग करके ये भी चेताने का काम किया कि जुलाना बहकावे में छल में आने का काम नहीं करेगा और जुलाना की बहादुर जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम। अगले विधानसभा चुनाव की तस्वीर क्या देख रहे हो आप? अगली विधानसभा चुनाव की तस्वीर में ये देख रहा हूँ, जैसे कि ब्रह्मचारी जी को कोई भी जानता नहीं था, लेकिन जहाँ हर जगह हम चाहते थे कि कौन चुनाव जीत सकता है कि ब्रह्मचारी जी जीत सकें, जानते हो नहीं जानते, तो ऐसे जो जुलाना के अंदर भी मैं ये मानता हूँ कि ऐसे नौजवान ऊर्जावान को अगर जिसका आप सर्वे करा कर टिकट देंगे तो वो मैं ये मानता हूँ कि 50,000 मतों से जीतने का काम करेगा। क्या जुलाना की 10 साल अनदेखी हुई कि इतना कांग्रेस के पक्ष में वोट डाला है चुनाव में? बिल्कुल अनदेखी अनदेखी नहीं, क्योंकि आपके साथ लगता हुआ हल्का जी नारणौन का, वहाँ अभी मनु जी जब वित्त मंत्री थे 8-8 कॉलेज, ITI, सड़कें, पानी की डिग्गी, जितनी भी व्यवस्था की वहाँ बजट लगता था 100 करोड़, यहाँ 2 करोड़, अनदेखी नहीं हुई। ये कहते हैं कि भेदभाव होगा, क्षेत्रवाद तो इन्होंने किया। आप पास लगते नारायण का देख लेना, बजट उठा के पिछला जुलाना का देख लो। आप PWD मंत्री थे दुष्यंत चौटाला जी, 4.5 साल रहे हैं, ये मेन सड़क पर जाकर देख लो जी आप, उन्हीं का महकमा है, उन्हीं का विधायक है और जुलाना की जनता ने उनको विधायक के गाँव से मात्र 172 वोटों पर रखने का काम किया। अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको आपके गांव में भी बुरी हार का मुंह देखना पड़ेगा। दुष्यंत चौटाला तो सड़क मंत्री थे, वो कहते थे सबसे ज्यादा सड़कें मैंने जुलाना में बनवाई है, अमर जी ढांडा भी दावा करते हैं। आप जाके देख लेना, 33 फुट की सड़क तो सारे गाँव में मंडी जी पूरे हरियाणा पक्की है, लेकिन सिर्फ एक गाँव मिलेगा आपने ठिकाना से बैरोगेरा जो आज भी कच्ची पड़ी है, और 33 फुट सड़क है, रोड कच्चा रोड पड़ा है। और आप जिसमें रोड से आप आते हो ना, मेन रोड से मंडी के सामने आप जाकर देखे ना, पत्रकार मोहते हो आप अभी जाते हुए आते हुए वहीं से जाते हो तो वहाँ जाना गोटे गोटे गटे जी। इसी बात के लिए जुलाना की जनता ने वोट की जोर से स्थानाशाही सरकार का अंत करने का काम किया। अगला चुनाव बड़ा रोचक होने जा रहा है, देवीलाल परिवार से एक सदस्य की उम्मीद है कि जुलाना से चुनाव लड़ेंगे। जुलाना भी बाट देखे जिनकी, जुलाना हल्का इतनी बेसब्री से बाट देख रहा है इनकी, इनके हल्का अध्यक्ष इन्होंने बदल दिया, जिन्होंने काम किया था पीछे उसको चेंज कर दिया, दूसरे को बना दिया। हल्के में ये चाहते हैं, ये परिवार, ये मैन गया वहाँ से भागे, घरवाना गया वहाँ से भागे, उछाना से भागे, अब ये सोच रहे कि जुलाना की जनता बोली वाली है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि जुलाना की जनता जितनी जागरूक जनता है कि जुलाना जनता का बेसब्री से इंतजार कर रही है, इन्होंने आज तक ये काम किया हो जुलाना के लिए। इस परिवार ने 99 से 2005 तक रही सरकार, पर जुलाना का ये काम बिना दे जी हमने ये काम किया है, वोट क्या ना की जा रहे, ये आम सिरसा जाकर लड़ाएंगे कोई चुनाव, फिर ये मारो किसी से कोई चुनाव, जुलाना की जनता बिल्कुल नकारने काम करेगी। अब आपने देखा होगा लोकसभा के चुनाव में नोटा भी इनसे ज्यादा वोट ले रहा है, इन्हें लोकसभा से भी से ज्यादा नोटा के वोट है जी। जी अच्छा ठीक है। भाई अशोक के द्वारा सतपाल ब्रह्मचारी की जीत में कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करने के लिए आज कार्यकर्ता बुलाए गए थे, उनका लिए जलपान की व्यवस्था की गई थी भाई के द्वारा, और मैंने भी भाई साहब के बुलावे पर अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया, आभार प्रकट किया है। जब भी जुलाना विधानसभा की जिस प्रकार की कोई भी समस्या होगी, उस समस्या को प्राथमिकता के आधार पर प्राथमिकता देते हुए सभी समस्याओं का निवारण करने का काम सतपाल ब्रह्मचारी जी करें। जो वादे किए थे वो पूरे किए जाएंगे, पिछड़ा है जुलाना? देखो जुलाना ही नहीं, लगभग जींद जिला लगभग पिछड़ा हुआ है। पहले जो पीछे
10 साल से पहले हुड्डा साहब के शासन में जो कार्य हुए थे, जिनके निर्माण हो रहे थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने रोकने का काम किया। उस सुशासन को याद करते हुए हुड्डा साहब के और बीजेपी के कुशासन को देखते हुए जुलाना की जनता ने वोट दिया है और जितने वादे किए गए हैं, जैसे ही अपनी हुड्डा साहब की कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, तुरंत प्रभाव से हम ये जो वादे किए गए हैं उनको पूरा करने का काम सतपाल ब्रह्मचारी जी और हरियाणा सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार कार्य करने को पूरा करने का काम करेगी। तो अशोक मलिक ने भी काफ़ी मेहनत की, जो चुनाव था लोकसभा का, यहाँ से सबसे ज़्यादा लीड जुलाना को हो रही है। अशोक मलिक जी ने भाई ने विशेष सहयोग किया है, गाड़ियों के जत्थे के साथ नामांकन में पहुँचे थे और जहाँ भी हम जाते थे आगे मिलते थे, भाई का भी विशेष आभार प्रकट किया है और हम मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना। जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें किस तरह की सिफारिश करेंगे अपने मंच पे? सिफारिश आपको तो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा के अंदर सर्वे के आधार पर टिकट दिया है, अब भी सर्वे के आधार पर भी टिकटों का वितरण होगा और कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी है जहाँ टिकटें बिकती नहीं, सर्वे के आधार पर दी जाती हैं और सर्वे के आधार पर शीर्ष नेतृत्व हाईकमान ही टिकटों का फैसला करेगा।